हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉक के एपिसोड खत्म हो चुका है, आज के रॉक के एपिसोड में कोई बड़े मैच तो नहीं दिखे, बट हाँ आज के एपिसोड में बड़े बड़े सुपरस्टार के प्रोमोज देखने को मिले। एक तरह से कह सकते हैं कि ये शोज प्रोमो से भरा हुआ था, जहां रसलमेनिया 36 में दिखने वाले सुपरस्टार ने अपने अपोनेंट को वार्निंग दी। वहीं आज के एपिसोड के बाद एक न्यू फॉर्मेट का मैच सामने आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं कुछ और अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से। आप में से शायद काफी लोग जानते होंगे कि WWE का एक खुद का नेटवर्क भी है, जिसको एक्सेस करके आप WWE के सभी शोज का लाइव मजा ले सकते हैं। अब इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए मंथली चार्ज देना होता है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें आप इस नेटवर्क को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन है, और आप सोच रहे हैं कि घर पर बैठकर क्या करें, तो ये अपडेट आपके लिए ही है। WWE ने अपने नेटवर्क पर बड़े पोर्शन को अनलॉक किया है, जिसे आप इजिली फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें WWE अनटोल्ड डॉक्यूमेंट्री, PPVs और शोज का मजा उठा सकते हैं, जिसमें रसलमेनिया, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज और इंटरव्यू जैसे एपिसोड शामिल हैं। बट ये सब लिमिटेड टाइम के लिए हैं। बस आपको WWE की वेबसाइट पर जाके अकाउंट बनाना है और फ्री में एक्सेस का मजा लेना है, और आप अपने फेवरेट PPV शोज कुछ भी यहां एक्सेस करके आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है CM Punk से। जैसा कि रसलमेनिया 36 काफी नजदीक है, और पिछले काफी टाइम से CM Punk के रसलमेनिया में दिखने को लेकर के रूमर्स चल रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि मेनिया में CM Punk का मैच होता दिख सकता है, जो कि सेथ रॉलिंस के खिलाफ होगा। वहीं इन रूमर्स पे CM Punk ने कहा कि WWE ने मुझसे ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं करा, और ना ही मेरी इस ऑफर को लेकर WWE से किसी भी तरह की बात हुई। वहीं सेथ रॉलिंस ने अपनी साइट से ही CM Punk के साथ मैच होने की हिंट दी थी, बट इस बारे में WWE से उनकी किसी भी तरह की बात नहीं हुई है। हम सभी CM Punk को फॉक्स के शो WWE बैकस्टेज में देख ही रहे हैं। अब पता नहीं कि WWE और Punk के बीच क्या चल रहा है, वो आने वाले टाइम में पता ही चलेगा। वैसे भी सेथ रॉलिंस का मैच केविन ओवेंस के खिलाफ सामने आ चुका है रसलमेनिया 36 के लिए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर और एजे स्टाइल के बीच रसलमेनिया 36 में होने वाले बड़े मैच से। आज ही रॉक के शो में एजे स्टाइल ने अंडरटेकर को और उनकी वाइफ को जमकर टारगेट करा, जिसके बाद एजे स्टाइल ने अंडरटेकर को बोन यार्ड मैच के लिए चैलेंज कर दिया। अब WWE फैंस के लिए एक नया वर्ड था, क्योंकि इस नाम से जुड़ा मैच हमने WWE में पहले कभी नहीं देखा है। वहीं फैंस के मन में सवाल होंगे कि ये क्या मैच है और इसमें क्या रूल्स होते हैं, तो वही आप सभी को बताने वाला हूं। WWE की वेबसाइट की माने तो ये मैच बुरिड अलाइव की तरह ही होगा, बट डिफरेंट नाम से होगा। अब बुरिड अलाइव मैच में होता ये था कि सुपरस्टार अपने अपोनेंट को रिंग के पास खोदे हुए कब्र में दफना देता था, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता था। जो ऐसा कर देता था, जीत उसकी हो जाती थी, जिसमें सुपरस्टार एक दूसरे पर जमकर किसी भी चीज से अटैक कर सकते थे। अब बोन यार्ड मैच में हो सकता है कि हम WWE के वेपन को बोन से बना हुआ देखें, या हो सकता है कि सुपरस्टार को कब्र में दफना के उसके ऊपर बोन डालनी हो, ताकि वो सुपरस्टार ना दिखे। ऐसा जो कर देगा उसकी जीत हो जाएगी। अब एक्चुअल में क्या है, वो हमें रसलमेनिया में ही दिखाई देने वाला है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं WWE से जुड़ी हुई। होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।